बीबीसी इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहां हाल ही में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। वहीं अब बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने बीबीसी की एक पत्रकार का भरी महफिल में मजाक उड़ा दिया। पीएम मोदी पर गुजरात में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी की रणबीर कपूर ने बोलती बंद कर दी। दरअसल रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हर जगह प्रमोशन कर रहे। वही हाल ही में एक फिल्म प्रमोशन के दौरान बीबीसी की एक पत्रकार ने रणबीर कपूर से सवाल पूछा था कि बॉलीवुड का बुरा टाइम चल रहा है आजकल, जिसके बाद रणबीर बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो, पठान के कलेक्शंस देखे आपने। इसके बाद रणबीर पत्रकार से पूछते हैं आप कौन से पब्लिकेशन से हो, जिसके जवाब में पत्रकार कहती है बीबीसी न्यूज। उसके बाद रणबीर बीबीसी न्यूज की पत्रकार की खिंचाई करते हुए कहते हैं अभी तो आपके भी कुछ चल रहे हैं ना आजकल, उसका क्या, पहले वो जवाब दो। वो कहती हैं वो बताएंगे आराम से। इस पर रणबीर ने कहा तो मैं भी बताऊंगा आराम से। तो देखा आपने, रणबीर कपूर ने अपने ही अंदाज में जवाब देकर बीबीसी न्यूज की पत्रकार की बोलती बंद कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग से साफ जाहिर है कि इसे क्यों जारी किया गया है। आने वाले वक्त में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वही इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। हमारे यहाँ भारत विरोधी देश के बाहर भी हैं और अंदर भी, जो वक्त वक्त पर ऐसा करते हैं और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में बीबीसी न्यूज ने भी डॉक्यूमेंट्री जारी कर पीएम मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश की थी, हालांकि उस डॉक्यूमेंट्री को अब बैन कर दिया गया है। बात करें बॉलीवुड की तो हाल ही में फिल्म पठान रिलीज हुई थी, जिसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं दुनिया भर में फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। वैसे रणबीर कपूर ने बीबीसी की पत्रकार को जिस तरह से जवाब दिया उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बस 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 बस